एक मेडिकल स्टोर के उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मामला सामने आया। एक शख्स के वलों यह फायरिंग की गई है जिस दे विच मेडिकल स्टोर के मालक के पट के विच गोली लगी है जिस दे कारण वह गंभीर रूप नाल जख्मी होया है। तो दस दिए कि मामला डेरा बाबा नानक तो सामने आया जिथे कि एक मेडिकल स्टोर के उत्ते अन्नेवाह ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया गई ने। दसिया जा रहा है कि जिस दे विच जो मेडिकल स्टोर का मालक सी वह गंभीर रूप नाल जख्मी होया है तो उसनों इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो मामला बीती शाम का दसिया जा रहा है जदों ये मेडिकल स्टोर का मालक अपने मेडिकल स्टोर के बैठा होंद है तो एक शख्स उत्थे आउंदा है तो आउंदे सार ही उसके वलों गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने जिस दे विच दसिया जा रहा है कि अपना बचाव करते हुए अचानक ही जो मेडिकल स्टोर का मालक है उसके पट के गोली लगती है जिस तों बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है। हालांकि जिवें ही जख्मी हुंदा है तो हमलावर मौके तो फरार हो जाता है तो आले दुआले के लोग जदों पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मेडिकल स्टोर का मालक है वह जमीन पर पिया हुंदा तड़फ रहा हुंदा है तो उत्थे पुलिस नूं सूचित किया जाता है तो पुलिस हुण मौके दे उत्ते पहुंची है तो मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उत्थे मेडिकल स्टोर के परिवारक मैंबरां का कहना है कि उन्हां दी किसी दे नाल भी कोई पुरानी रंजिश नहीं है ना ही उन्हां नूं कोई धमकी मिली सी पर यह गोलियां क्यों चलाईया गई ने इस दे बारे पुलिस जरूर पता करे क्योंकि लगातार अजिहे मामले सामने आ रहे ने इलाके दे विच फायरिंग दे जिस तों बाद हुण लोकां दे विच भी सहम दा माहौल बन गया है। सिंह एरिए सर रणजीत बेदी इन्हों का मेडिकल स्टोर बेदी बाजार के गलियां चाहे 7 बजे का इंसीडेंट होया मौके पर पहुँच गए हैं बयान लिखा रहे जी जो बयान लिखा मुताबक लिखा उस मुताबिक कार्रवाई करा इन्होंने मुताबिक भी एक बंदा अजे थोड़े बोलते नहीं कि चंगी तरह कहते भी एक बंद आया बस नहीं अजे कोई गलबात नहीं कहते जी नहीं नहीं अजे कोई गलबात नहीं कहते नहीं एक ही है पट च लगी खबे पट चाहिए हाँ जी ठीक है जी ठीक है। एक मेडिकल स्टोर के उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मामला सामने आया। एक शख्स के वलों यह फायरिंग की गई है जिस दे विच मेडिकल स्टोर के मालक के पट के विच गोली लगी है जिस दे कारण वह गंभीर रूप नाल जख्मी होया है। तो दस दिए कि मामला डेरा बाबा नानक तो सामने आया जिथे कि एक मेडिकल स्टोर के उत्ते अन्नेवाह ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया गई ने। दसिया जा रहा है कि जिस दे विच जो मेडिकल स्टोर का मालक सी वह गंभीर रूप नाल जख्मी होया है तो उसनों इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो मामला बीती शाम का दसिया जा रहा है जदों ये मेडिकल स्टोर का मालक अपने मेडिकल स्टोर के बैठा होंद है तो एक शख्स उत्थे आउंदा है तो आउंदे सार ही उसके वलों गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने जिस दे विच दसिया जा रहा है कि अपना बचाव करते हुए अचानक ही जो मेडिकल स्टोर का मालक है उसके पट के गोली लगती है जिस तों बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है। हालांकि जिवें ही जख्मी हुंदा है तो हमलावर मौके तो फरार हो जाता है तो आले दुआले के लोग जदों पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मेडिकल स्टोर का मालक है वह जमीन पर पिया हुंदा तड़फ रहा हुंदा है तो उत्थे पुलिस नूं सूचित किया जाता है तो पुलिस हुण मौके दे उत्ते पहुंची है तो मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उत्थे मेडिकल स्टोर के परिवारक मैंबरां का कहना है कि उन्हां दी किसी दे नाल भी कोई पुरानी रंजिश नहीं है ना ही उन्हां नूं कोई धमकी मिली सी पर यह गोलियां क्यों चलाईया गई ने इस दे बारे पुलिस जरूर पता करे क्योंकि लगातार अजिहे मामले सामने आ रहे ने इलाके दे विच फायरिंग दे जिस तों बाद हुण लोकां दे विच भी सहम दा माहौल बन गया है। सिंह एरिए सर रणजीत बेदी इन्हों का मेडिकल स्टोर बेदी बाजार के गलियां चाहे 7 बजे का इंसीडेंट होया मौके पर पहुँच गए हैं बयान लिखा रहे जी जो बयान लिखा मुताबक लिखा उस मुताबिक कार्रवाई करा इन्हों के मुताबिक भी एक बंदा अजे थोड़े बोलते नहीं कि चंगी तरह कहते भी एक बंद आया बस नहीं अजे कोई गलबात नहीं कहते जी नहीं नहीं अजे कोई गलबात नहीं कहते नहीं एक ही है पट च लगी खबे पट च खतरे तो बाद हाँ जी ठीक है जी ठीक है।